यूपी पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां घर में घुसकर युवक ने युवती पर तेजाब से हमला किया। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक एक युवक घर की दीवार कूदकर घर में घुसा और युवती पर एसिड से भरी बोतल डाल फरार हो गया, जिसके बाद युवती एसिड से बुरी तरह झुलस गई। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में युवती को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवती की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। डिब्बा गिरा, किसने, किसी का नाम आया प्रकाश में, पता चला किसी का? डब्बे में क्या डाला था, क्या था? ये नाम क्या बता रही थी लड़के का? नूर, राहुल, राहुल नूर का लड़का। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ये लगभग 7:30-8 बजे की घटना है, फरीदपुर से मावली पड़ता है, वहाँ पे एक लड़की के ऊपर कुछ केमिकल डाला गया है जो संभवतः एसिड है। लड़की को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ से उसको मेरठ रेफर कर दिया, उसको उपचाराधीन है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, शीघ्र ही हम अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। आरोपी हिरासत में लिया गया सर, टीमें लगी हुई, जल्दी से उसको हिरासत में लेंगे, कठोरतम कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। हालांकि पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन सिंभावली में लगातार युवतियों पर अपराधों की संख्या बढ़ने से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही एक 4 वर्षीय मासूम का अपहरण कर रेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।